नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस जिस सब्जेक्ट पे बोलने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो है सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच क्या है? अब कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो मिट्टी है उसमें प्लांट अच्छा से नहीं ग्रो नहीं कर रहा है, और कुछ में इतना बढ़ रहा है लेकिन उसमें फूल फॉल ऐसे नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो इसका कारण और एक है, बहुत सारे कारण है इसके। एक है उसके सॉयल का पीएच। पीएच क्या है? पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। तो आपका सॉयल में, आप जानते हैं एग्रीकल्चर में सॉयल टेस्ट होता है। सॉयल टेस्ट में बहुत कुछ टेस्ट होता है, उसमें से एक है पीएच टेस्ट। पीएच टेस्ट क्या होता है? आपका सॉयल में एल्कलाइन और एसिडिटी का जो माप होता है वो कितना है, ज़्यादा है या कम है, एल्कलाइन ज़्यादा है मिट्टी या एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक मिट्टी है, वो टेस्ट होता है पीएच टेस्ट। तो ये 1 से 14 तक काउंट होता है। एक जो होता है सबसे एसिडिक सॉइल होता है और 14 जो होता है सबसे एल्कलाइन सॉइल होता है। प्लांट क्या करता है? प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करते हैं 6 to 7 pH में। उसमें से 7 होता है न्यूट्रल, 1 to 7 एंड 7 to 40। तो 7 होता है न्यूट्रल, तो थोड़ा एसिडिक सॉइल प्लांट ज़्यादा पसंद करता है। उसको ज़्यादा थोड़ा होगा तो सहन कर लेगा, उसके कम थोड़ा होगा तो वो भी उसमें भी थोड़ा सा वो एक्टिवाइज कर लेगा, लेकिन ज़्यादा एसिडिक होगा तो नहीं कर पाएगा कुछ। ज़्यादा एल्कलाइन होगा उसमें भी ज़्यादा अच्छा से ग्रो नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ग्रोथ देने के लिए उसको एसिडिक और एल्कलाइन के बीच में रहना है। 6 to 7 सबसे अच्छा है। तो थोड़ा सा एसिडिक होगा, थोड़ा सा, जस्ट 6 to 7, इसलिए बोल रहा, 7 to 8 नहीं, 6 to 7। और ये जो सॉइल का टेस्ट है, ये टेस्ट करने आप घर में ही कर सकते हैं, आपका जो मिट्टी है घर में ही कर सकते हैं सॉइल का टेस्ट। और कुछ प्लांट है जो थोड़ा एसिडिक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, कुछ है जो थोड़ा एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा ग्रो करता है। देखिए आप जो बेरी है, बेरीज जो है, जो जितना भी बेरी टाइप का प्लांट है वो जिसका खट्टा होता है वो थोड़ा एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद करता है। जिस जो एल्कलाइन होता है वो क्या है, केला है, केला थोड़ा एल्कलाइन, इस पर चूना देना पड़ता है, उसके मिट्टी पे चूना देना पड़ता है, ये थोड़ा एल्कलाइन हो जाए इसलिए अच्छा ग्रो करता है। तो हमारा घर का जो प्लांट्स है उसका जो सॉइल है वो आप एकदम अच्छा, उसका जो प्लांट का पीएच चाहिए वो प्लांट का पीएच देंगे तो वो बहुत अच्छे ग्रो करेगा। तो हम घर में ही ये प्लांट का पीएच माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उसके लिए एक टूल है, मैं वही दिखाऊंगा। देखिए ये अमेजन से ख़रीदा, मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो टेस्टर है, ये 3-in-1 टेस्टर है। ये टेस्टर का सबसे खासियत ये है, आपका सॉइल में पानी है या नहीं, ज़्यादा पानी है कम पानी है, ये इसमें से आप टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लाइट, लाइट ज़्यादा लाइट पड़ रहा है या कम लाइट पड़ रहा है ये भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये है, ये टेस्टर, ये है वो टेस्टर, आप देख सकते हैं। ये है वो टेस्ट है। तो इससे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? पानी का पीएच, पानी का, मिट्टी का पीएच, और एक है वो है सनलाइट। 3-in-1 टेस्टर है। देखिए सोलर पैनल है, एक छोटा सा, छोटा सा एकदम सोना सोलर पैनल है इधर, इधर जो एक
छोटा सा सोलर पैनल है, ये पैनल आप देख सकते हैं, इधर से ही सोलर टेस्ट होता है। तो खोलता हूँ मैं इसको, इसमें दो नोड नोड होता है, नोड में से दो स्टिक होता है इसमें, तो एक कॉपर का होता है एक एल्युमिनियम का होता है। तो दो नोड होते हैं, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का। देखिए ये दो नोड है, ये आपको आपका सॉइल में घुसना पड़ेगा, इधर ऐसे सॉइल के देना पड़ेगा। उसके बाद इसको अराउंड 2 to 3 मिनट रख दीजिए। तो इधर का जो, देखिए इधर का जो मीटर है, ये मीटर में शो करेगा, देखिए मीटर में शो करेगा, ये मॉइस्ट होगा। इधर लेफ्ट साइड में देखिए ड्राई, ये देखिए ये ड्राई, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अब देखिए देखिए ये मस्ट है, नीचे एकदम नीचे वाला मस्ट है। देखिए वो ग्रीन वाला जो है ना, वो ग्रीन वाला जो है इधर इधर ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन में जब जाएगा वो आपका सॉइल मॉइस्ट है। ज़्यादा राइट साइड में जाएगा, 10 तक जाएगा तो बहुत मस्ट है, अभी पानी नहीं देना है। लेफ्ट में जाएगा तो राइट अराउंड 3 तक मस्ट ही है, 3 से नीचे चला जाएगा या 3 में जाएगा तो उसको पानी देना है। ऊपर में देखिए, अब इधर देखिए ऊपर में, ऊपर में जो है लुमिनस है वो आपका लाइट कितना पड़ रहा है, लाइट ज़्यादा है या कम है, ये आपको सही करेगा। देखिए लेफ्ट साइड में डार्क है और राइट साइड में लाइट है, ज़्यादा लाइट होगा तो एकदम 2000 में चला जाएगा और कम लाइट होगा तो 0 में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइट ज़्यादा या कम पड़ रहा है आपका, जिधर शायद आप इंडोर प्लांट कर रहे हैं, ये मेनली उस हम करते हैं इंडोर प्लांट के लिए। तो इंडोर प्लांट में सॉइल पीएच कितना है, बाहर भी मापते हैं और लाइट भी मापते हैं। और इंडोर प्लांट के लिए कॉशसली आपको जो पानी देना है, तो पानी देने के लिए ये जब मॉइस्ट में अराउंड, देखिए इधर 3 कलर है, एक ब्लू, देखिए थोड़ा हाँ, देखिए राइट साइड में एक ब्लू है, मिडिल में ग्रीन है और लेफ्ट में रेड है। तो जब ब्लू में चला जाएगा ये जो काटा है, ये जब ब्लू में जाएगा तब पानी नहीं देना है, जब ग्रीन में आएगा तभी पानी देना है, और जब रेड में चला जाएगा तो पानी देना ही है, पानी एकदम कम हो गया। ठीक है, अब मिडिल में देखिए 1 से 10 तक है, वो है पीएच, आपका सॉइल का पीएच क्या है ये आपको बता देगा। और ऊपर में है लाइट, तो पीएच जब देखिए पीएच का भी 7 और इधर 3 3 to 7 लिखा हुआ है, लेकिन आपका 6 to 7 रखना है पीएच, वही एकदम अच्छा से ग्रो करेगा उधर। तो पीएच कम होगा तो क्या होगा, पीएच कम जब होगा एसिडिक हो जाएगा। देखिए इधर 3 स्विच है, इसका 3 स्विच है, एक पीएच का स्विच राइट साइड में, पीएच जब मापना है वो तो पीएच में देना है। आप देखिए ये पीएच में देना है, जब इसको हम मिडिल में रखेंगे वो लाइट चेक करना है, जब लाइट चेक करना है तब इधर
जब लाइट चेक करना है तब ये मिडल में रखना है, और जब आपको मॉइस्ट चेक करना है तो ये एकदम लेफ्ट साइड में मॉइस्ट में दे देना है, तभी मॉइस्ट चेक करें कर पाएंगे। देखिए हम अब टेस्ट करेंगे। देखिए ये मेरा लाकी बाम प्लांट है, मैं इसमें दे रहा हूँ। अब देखिए पूरा मस्त है, थोड़ा डाल दीजिए, पूरा मस्त है इसे। मैं डायरेक्ट पानी नहीं दिया लेकिन ये देख रहा है। ठीक है अब क्या करूँगा, ये इसमें दूंगा, ये एक प्लांट है इधर। देखिए अब काटा किधर से लाएगा, मीन्स इसमें बहुत पानी है, थोड़ा रखना है, बहुत पानी है इसमें, मीन्स अभी पानी नहीं देना है इसमें। और एक पॉइंट के चेक करें, लेकिन ये साफा कर लेना है क्योंकि देखिए मिट्टी इसके साथ अटक गया, क्योंकि इतना पानी इसमें दे जाता है। अब क्या करना है, ये वाला जो है इसमें डालूंगा मैं। ये देखिए मीटर मीटर कैसे ऊपर रहा है, इसमें बहुत पानी है, पानी नहीं देना है। ठीक, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्लांट में पानी देना है या नहीं। आपको हाथ देने के लिए आपको कोई कुछ जानने के नहीं जरूरत पड़ेगा, पानी देना है या नहीं आप खुद पता चल जाएगा। देखिए इसमें भी पानी है। अब क्या करूँगा इसको, अब क्या करूँगा मैं इसको, मैं टेस्ट करूँगा इसका जो पीएच है, पीएच ठीक है क्या नहीं। देखिए जो पीएच है हमने पीएच में डाल दिया, अब इसका पीएच कितना है पहले देखिए इसका पीएच क्या है। तो रखना है तो इसका पीएच फुल्ली एसिडिक दिखा रहा है अभी, थोड़ा रखना है। देखिए इसे 2-4 मिनट रखना है क्योंकि ये जो टेस्ट है थोड़ा टाइम लगता है, पीएच का से थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, देखिए ये मेरा एक स्नेक प्लांट है, मदर ऑफ लव टांग, छोटा सा एकदम छोटा सा पाप निकला ये लगा दिया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें क्या है ज्यादा एसिडिक है, तो इसे मुझे थोड़ा चूना लगाना पड़ेगा, चूना सॉरी चूना ऐड करना पड़ेगा, तो लाइम ऐड करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो ये प्लांट ठीक से नहीं ग्रो। अब देखिए ये एक छोटा सा कटिंग लगाया मनी प्लांट का, ये भी मैं टेस्ट करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए इसका जो पीएच है थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन पीएच कम मीन्स एसिडिक है, ये एसिडिक ही है, तो इसको थोड़ा सा लाइम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है अब देखिए ये लाइट मीटर, देखिए जब लाइट के पास देखिए जा रहा है, लाइट पा रहा है, ऐड से हटा देता हूँ कम, देखिए ऐसे हो रहा है। ठीक है देखिए ये मैं चेरी प्लांट ले लिया एक, इसका पीच मैं देखूंगा, मिट्टी के अंदर अराउंड
3 to 4 इंच घुसा दीजिए। देखिए इसका पीएच बढ़ गया, 5 हो गया, ठीक है। 2 से 3 बार देखिए इसे, मैं इधर सिक्स तक पहुंच गया, इससे ठीक है, इसका जो मिट्टी है ये ठीक है। अब मैं और कुछ प्लांट में देखूंगा, ये एक लाइम प्लांट है, इसमें मैं देखूंगा इसका पीएच कितना है। अब मैं इतने घुसा दिया, इसका जो पीएच है ये दिखा रहा है 5, थोड़ा सा ये एसिडिक है सॉइल, निकाल लेता हूँ सॉइल में, ठीक है। से पहले बार कर रहा हूँ, अपना ये जो चिली प्लांट है इसमें भी ये रीडिंग अब दिखा रहा है 6 तक पहुंच गया, ये ठीक है, ये जो सॉइल है ठीक है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, पिछले वीडियो में मिलते हैं, बाय।